नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत कर प्रथमे हेडलाइंस आंध्र प्रदेश में वर्षार तांडव बनार भासी सात जन मृत्यु दस जन निखोज या सूचना पुलिस अग्निशम विभाग एनडीआरएफ टीम पक्ष उद्धार कार्य जारी दिल्ली वायु प्रदूषण में आसी सामान्य सुधार उभय केन्द्र और दिल्ली सरकार पदक्षेप पर सामान्य आश्वस्त दिल्लीवासी परिस्थिति नियंत्रण पर आ किछि दिन रहीपे कटक कोरोना लड़े आमेरिकार आउ एक पदक्षेप बुस्टर डोज को मिला सबुज संकेत संपूर्ण डोज नहीं सारी 18 वर्ष रु अधिक वयस्क नहीं पारे टीका एफडीए पक्ष मिला अनुमति भारतीय नौसेना को मिल शक्ति सामिल होब आईएनएस विशाखापट्टनम बुड़ा जहाज बेला मुंबईर नाभाल डकयार्ड आयोजन होब स्वतंत्र उत्सव जोगदेव प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शेषे न्यूजीलैंड विपक्ष टी20 मैच में भारत दमदार प्रदर्शन द्वितीय विजय सह सीरीज कब्जा कला भारत रोहित और राहुल विश्वरक अर्धशतक आगे धराशायी है न्यूजीलैंड एथर संपूर्ण खबर मुंबई क्रूज पार्टी रे ड्रग्स कारोबार मामलार बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख पुआ आर्यन खान को मिलता बेल अर्डर डिटेल्स सार्वजनीन कर ड्रग्स केस रे आर्यन खान को विरोध में कौन षड्यंत्र कर प्रमाण मिल ना कहले बॉम्बे हाइकोर्ट आर्यन और सांग विरोध में कौन प्रमाण ना स्पष्ट कोर्ट सूचना अनुजाई मुंबई क्रूज ड्रग्स मामलें आर्यन खान को मिलता जमिन डिटेल कॉपी बॉम्बे हाइकोर्ट जारी करते कि आर्यन खान निकट कौन संदिग्ध पदार्थ मिलना यहाँ आर्यन खान अरबाज मर्चेंट एवं मुनमुन धामसा विरोध में षड्यंत्र कौन प्रमाण मिलना आर्यन खान को अक्टोबर 2 रे नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्त कर मुंबई रु गोआ जा क्रूजर ड्रग पार्टी रे सामिल थिबारो अभियोग विरोध में रही मामलें आर्यन अरबाज मुनमुन समेत 20 जन को गिरफ्त कर आर्यन को विचार विभाग हाजत को पठा जाता मुंबईर आर्थर रोड जेल में 3 सप्ताह बितावा पर 28 अक्टोबर में जमिन मिलता आंध्र प्रदेश में तांडव रचला वर्षा प्रबल वर्षा रे बन्या जो सात जन मृत्यु होता सूचना रही 100 जन निखोज आंध्रर सरकारी अधिकारी बंगोपसागर में सृष्ट लघुचापर प्रभाव में आंध्र गुरुवार सन्ध्यारु प्रबल वर्षा लागि रही 4 जिले में 100 रु अधिक लोक पानी सुरे भासी निखोज सूचना मिलता बेले उद्धार कार्य जारी रही पुलिस अग्निशम विभाग एनडीआरएफ टीम पक्ष फसी रही लोकों उद्धार कर पानीर सुअ एत भयंकर कार बस किसी घर पानी रे भासी जा स्थान में पानी सुअ राजपथ और रेल धारणा धोई नहीं थी बारु तिरुपति एवं कडपा मध्य सड़क और रेल परिवहन बंद हो एबे दिल्ली वायु प्रदूषण में आसी सामान्य सुधार सुप्रीम कोर्ट को निर्देश रे उभय केन्द्र और दिल्ली सरकार विभिन्न पदक्षेप नापर दुई दिन हम प्रदूषण स्थित में कि सुधार आसी अनुभव कर दिल्ली बासिंदा तथापि प्रदूषण जो कि स्वास्थ्य समस्या सृष्टि होली अभियोग प्रदूषण नियंत्रण पर एवं लागू होता विभिन्न कटक आ किद रे परिस्थिति आहरी नियंत्रण को आसो कह पॉल्यूशन की स्थिति देखिए पिछले बीते 2-3 दिनों में तो कुछ सुधरी है हालांकि उससे पहले जो केस था वो काफ़ी वर्स था इससे बुरी स्थिति थी लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों में देख पा रहे हैं कि आसमान थोड़ा साफ नज़र आ रहा है लेकिन इससे पहले 2-3 दिन पहले जब हमने देखा था तो उसके मुकाबले कम हुआ है लेकिन अभी पूरी तरीके से कम नहीं है अभी भी आँखों में जो है जलन हो जाती है इरीटेशन होती है आँखों में और सांस लेने में थोड़ी समस्या है पॉल्यूशन की स्थिति तो ख़राब ही है और जैसे मैं अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे आम दिनों की तुलना में मुझे ज़्यादा तेज़ सांस मेरी चल रही है पर उसमें कुछ कर नहीं सकते आपकी मजबूरी होती है कई बार मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना आपकी मजबूरी होती है और आप करते हैं लगभग 2 महीने से तो पॉल्यूशन की लेवल काफ़ी बढ़ी है
अभी तो रिसीड हो रहा आस्ते आस्ते और आई थिंक कमिंग डेज में इल इम्प्रूव। जम्मू काश्मीर कुलगाम रे एनकाउंटर जने कुख्यात आतंकवादी निपात सकाळु कुलगाम रो आसुमुची अंचल रे सुरक्षा बल सह आतंकवादी गुळी गुळा विनिमय होइतिला। एही गुळी विनिमय रे जने आतंकवादी निपात होइछि। अन्य आतंकवादी ठु ठाब करबा पई सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि। सेना सह स्थानीय पुलिस एही सर्च ऑपरेशन रे शामिल होइछि। ए अंचल रे स्कूल एवं जनबसति थिबारु छात्र छात्री एवं साधारण लोकंकु तुरंत स्थानांतर करा जाइछि। भारतीय नौसेना को मिल शक्ति सामिल हेबो आईएनएस विशाखापाटनम एवं बुड़ाजहाज बेला। नवंबर 21 रे आईएनएस विशाखापाटनम नौसेना रे कमिशन हेबाकु थिबा बेले नवंबर 25 रे सामिल हेबो सबमेराइन बेला। एही अवसर रे मुंबई रो नाभाल डॉकयार्ड रे एक स्वतंत्र उत्सव आयोजन करा जिबो, जेउठी केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि भाबे जोगदे आईएनएस विशाखापाटनम को नौसेना रे सामिल कराइबे। एहा परे 25 तारीख दिन एक उत्सव रे नौसेना मुख्य एडमिरल करम सिंह बुड़ाजहाज बेला को सामिल कराइबे। ए दुईटी को स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्माण करा जाइछि। नौसेना रे आईएनएस विशाखापट्टनम एवं बेला रो सामिल को भारत रे प्रतिरक्षा शक्ति पे एक माइलस्टोन बोली कहा जाउछि। इंडियन नेवी का लेटेस्ट वॉरशिप जो परसों 21 तारीख को कमीशन होगा, ये जहाज बाजागढ़ डॉक लिमिटेड में बनाया गया है। 25 साल पहले मैं एक और एमडीएल के बनाए हुए जहाज पे था, आईएनएस गंगा। मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है, आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड दैट इन टर्म्स ऑफ इंडियन शिप बिल्डिंग वी हैव कम अ लॉन्ग वे। जो तब जहाज बने थे और जो अभी बन रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वॉरशिप प्रोडक्शन इटसेल्फ एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द वेपन्स एंड सेंसर्स जो फिटेड हैं जहाज के ऊपर। इंडिजिनाइज रॉकेट लॉन्चर है जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। ये एंटी सबमरीन के लिए यूज़ होता है, मतलब कि जो पनडुब्बियों के लिए, जब पनडुब्बी इसके रेंज में आती है और लॉक हो जाता है तो ये फायर होता है। एक सर्टेन डेप्थ पे जाने के बाद ये पनडुब्बी को डुबाने की क्षमता रखता है। जी देखिए, अगर इस जहाज की बात करूँगा तो ये जहाज़ एक डिस्ट्रॉयर क्लास है और अभी जितनी भी नौसेना है उनमें ये एक एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर क्लास शिप है। डिस्ट्रॉयर क्लास जो है तीन डायमेंशंस में ऑपरेट कर सकती है। पर्यटकों मन मोहुचि मोगल गार्डन भारतर भूस्वर्ग काश्मीर रे एबे शरत ऋतुर राजुति। रंगीन फूलपत्र रे सजी होइछि प्रकृति राणी। एही सौंदर्य को मनभरी उपभोग करबा पई एबे भिड़ लगाइछन्ति देश विदेशर पर्यटक। जेउ सबु दर्शनीय स्थान दिने आतंकवादी भयरे पर्यटक शून्य होइ पड़िथिला, 370 धारा उच्छेद होइ परिस्थिति साधारण हेबा परे एबे सेठी देखिबाकु मिलिछि पर्यटकक भिड़। डाल लेक परे एबे बाहरर पर्यटकक पई सबुठु अधिक आकर्षणर केन्द्रबिन्दु पालटिछि मोगल गार्डन। शरत ऋतु को स्थानीय भाषा रे कुहा जाय हारुत। एही समय रे चिनार बा मापल गछर रंगीन पत्र झड़ी खूब सुंदर आ मनोरम देखा जाए चारिपाखर दृश्य। ए दृश्य को उपभोग करबा पई एबे सेठारे बढ़िछि पर्यटकक भिड़। मोगल गार्डन सहित हृदय मध्य नौका विहार करी खुशी हेउछंती पर्यटक। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। मैं तो स्विट्जरलैंड भी जाकर आई लेकिन ऐसा मेरे को कहीं नहीं मिला। बहुत अच्छा, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ, सो रियल में बहुत अच्छा है। ये मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा, ऑल ओवर वर्ल्ड घूम चुकी हूँ लेकिन जैसा मेरे को इन्जॉय मैंने यहाँ किया ऐसा कहीं नहीं किया। बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं सब। हम लोग अब 7-8 डेज से सब इतने कोऑपरेटिव हैं, मतलब मेरे को विश्वास नहीं होता कि कश्मीर में इतना अच्छा हमको मिलेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑटम का एक बेनिफिट ये मिला, अब की बार हमें स्नो मिली यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऑटम में जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत ही अच्छा है, हम लोग स्विट्ज़रलैंड वगैरह सब जगह जाते हैं बट इट्स ब्यूटीफुल, कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। मैं यहाँ 30 साल बाद आ रहा हूँ, मेरे हनीमून भी हम इधर आए थे और अभी बीच में 2011 में अभी इसके बाद थर्ड टाइम आ रहा हूँ, लेकिन ये सीज़न बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये पतझड़ का जो सीज़न है ना, विदाउट फ्लोर, सोनमर्ग में बर्फ़ देखा, गुलमर्ग में बर्फ़ देखा और श्रीनगर भी बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार। और जन्नत है ये, दुनिया का जन्नत स्वर्ग जो बोलते हैं ना, एक्चुअली ये स्वर्ग है। शांति स्थापित हो, टूरिस्ट आए, ये हमारी सबसे ज़्यादा कामना है। कश्मीर जो है इट्स नोन फॉर ना, चार डिस्टिंक्ट सीज़न है हमारे, चार मुनफरिद सीज़न। उनमें ऑटम भी एक खूबसूरत सीज़न हमारा जो कि 23 सितंबर से शुरू होता है,
पर्टिकुलरली जो मुगल गार्डन्स हैं, मुगल गार्डन्स में हमारी कंसंट्रेशन चिनार्स की बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ये ऑटम की मतलब एक मुनफरिद अट्रैक्शन बन जाता है मुगल गार्डन्स। निषाद, शालीमार, हमारे अगर निषाद की बात करें उसमें कोई 225 चिनार्स हमारे पास हैं और वो एक प्रॉपर पैटर्न में लगे हुए हैं। तो एक जिसको बोलते हैं ऑटम का जो ह्यू होता है, वो जो एक मॉस इफेक्ट होता है, वो अट्रैक्ट करता है नेशनल टूरिस्ट्स को, लोकल टूरिस्ट्स को, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को। न्यूजीलैंड विपक्ष टी20 सीरीज रो द्वितीय मैच रे भारत रो दमदार विजय, तबे द्वितीय विजय सह सीरीज कब्जा करिछि भारत। कोच राहुल द्राविड, कैप्टन रोहित शर्मा नेतृत्व में भारत ही विजय हासिल करिछि। केएल राहुल और रोहित शर्मा विस्फोरक अर्धशतक बल में भारत न्यूजीलैंड को 7 विकेट रे अति सहज रे परास्त करिछि। एहासह 3 मैच विशिष्ट टी20 सीरीज रे 2-0 रे अग्रणी रहिछि। प्रथमे बैटिंग करी न्यूजीलैंड 6 विकेट विनिमय रे 153 रन करिथिला, जवाब रे भारत मात्र 3 विकेट हराई 17.2 ओवर रे मैच विजय होइछि। भारत पक्षरु केएल राहुल 65 और रोहित शर्मा 55 रन संग्रह करिछन्ते। सीरीज रो तृतीय तथा अंतिम मैच रविवार कोलकाता रे खेला जाउ। करोना विरोध लड़ाई रे विश्वर प्राय समस्त देश किछि ना किछि सफलता हासिल कर सारे, विशेष भाव में अमेरिका, रूस, भारत आदि राष्ट्र और यूरोपियन देश मानक करोना वैक्सीन प्रयोग प्राय 100% रे पहुंची। तथापि पूरा विश्वर करोना को पूरापूरी विनाश कर चेष्टा लगी बड़ बड़ वैज्ञानिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। यार भितर अमेरिका रे करोनार बुस्टर डोज देवार प्रक्रिया आरंभ हो सारी, एणिकि संपूर्ण दुईट जाक डोज नहीं व्यक्ति फाइजर, बायोटेक और मॉडर्नार बुस्टर डोज नहीं पारे बोली जरूरीकालीन अनुमति देती FDA बा अमेरिकार फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। देश में कोविड को मूलपक्ष करने लगी यह अभियान आरंभ हो। नुआ नियम अनुसार जो मैंने फाइजर बा मॉडर्नार दुईट डोज नहीं द्वितीय डोज्र 6 मास पर बुस्टर डोज नहीं पारे। से व्यक्ति जनसन एंड जनसन टीका नहीं प्रथम डोज्र 2 मास पर बुस्टर डोज नहीं पारे। ଭାରତର ବଂଶଜ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ହାରିସ୍। 1 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ, ସାଜିଲେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତା। 85 ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସମୟ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 10:10 ରୁ 11:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ରୁଟିନ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ୱାଲ୍ଟର ରିଡ୍ ମିଲିଟାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ କଲୋନୋସ୍କୋପି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍। ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷମତା ମିଳିଥିଲା। ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ସଫା ସୁତୁରା ସହର ପାଲଟିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଲଗାତାର ଇନ୍ଦୋର ସହରକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସମ୍ମାନ। ଏହା ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଗୁଜରାଟର ସୁରତ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ା। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଙ୍ଗା ସହରର ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମ୍ମାନ 2021କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଇନ୍ଦୋର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକାରେ ରହିବାରୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ, ମାର୍ସେଲିଂ ୟାର୍ଡରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ୟାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ମାର୍ସେଲିଂ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ୟାର୍ଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। गठन हो स्वतंत्र शिक्षा जोन धर्मेन्द्र आसाम गुवाहाटी उत्तर पूर्व शिक्षा सम्मेलन उद्घाटन कले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। स्वतंत्र शिक्षा जोन गठन हो धर्मेन्द्र प्रधान भारत बर्षे शिक्षा व्यवस्था सामानता आने को शिक्षा जोन जातीय शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लक्ष्य को नहीं आगक बढ़ुच्छे। तेज जातीय शिक्षा नीति शिक्षा भाषार संभावना को वृद्धि कर आसवा परवर्त खबर को हॉकी विश्वकप ओडिशा रे पहुंचला दक्षिण आफ्रिका टीम पूर्व इंडिया टीम आसी पहुंची सारी सब खेलाड़ी को रही सेडिस्क टावर रे स्वतंत्र व्यवस्था कर दक्षिण आफ्रिका टीम को भव्य स्वागत पर कड़ा सुरक्षा भितर खेलाड़ी को होटेल को निजाव दस टीम आसी पहुंची सारे आसंता चबीश भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम खेल जूनियर हॉकी विश्वकप मैच। कलिंग स्टाडियम अनुषित होगा जूनियर हॉकी विश्वकप को नहीं उत्साहित ओडिशार हॉकी फैंस भारतीय टीम रे ओडिशार तीन जन खेला सामिल थिबा बेले चलित वर्ष भारत चंपियन हो आशा रखिंट हॉकी प्रेमी माने एने गंजाम छत्रपुर जूनियर एवं सीनियर हॉकी खेला माने केते उत्साहित अच्छा आसतु आसंता 24 तारीख भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम आरंभ हो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप ए हॉकी महाकुंभ में ओडिशार तीन जन खेला भाग लेता बेले एवं ओडिशा सारा सब चर्चा चली सब उत्साह बढ़ी जो ओडिशा जो खेल हॉकी वर्ल्ड कप अच्छी ताकू नहीं सब उत्साह बढ़ी तो आम बर्तमान अच्छा छत्रपुर हॉकी स्टेडियम अच्छे जो हॉकी खेला मानर उत्साह देखाई जो भाई अभी सुनील जोजा कथ कह अभिषेक लाखरा कथ कह जो भाई अभिज्ञ खेला मैंने अच्छा से भल प्रदर्शन करवा भारत को पुणि थे हॉकी वर्ल्ड कप कप देवे से आशा खुशी तो सीधा सख भाव में प्रतीक्षा ना से मन में कैसे उत्साह अच्छी आज्ञा कौन कहे देखा जदि जो भाई भाव भुवनेश्वर 24 तारीख आरंभ हो फ्रांस जो भाई विपक्ष में मैच अच्छी भारत केमी प्रदर्शन कर आशा रखिंट बहुत भल इंडिया प्रदर्शन कर बहुत भल परफॉर्मेंस अच्छी बहुत भल टीम अच्छी वर्ल्ड कप से बहुत भल परफॉर्मेंस कर आशा रखीचु आमर एटी बहुत जूनियर पिला प्राक्टिस कर उत्साहित अच्छा जो मैंने भारत आम जित धारणा समस्त अच्छी भल भाव प्राक्ट करी आम पेनाल्टी कर्नर गोटे हूँ आम दुर्बलता पेनाल्टी कर्नर आम सक्सेस पेनाल्टी कर्नर जब आम सक्सेस टीम आम बहुत भल प्रदर्शन कर बहुत भल टीम अच्छा आप ओडिशार प्रतिनिधित्व करशार से आमको से उत्साहित ये पिला सब प्रेरणा जोगे से पाने आसिक आम ये बहुत भल प्राक्ट कर सब गोटे कोच आमको दिखाई सरकार तरफ गोटे कोच प्रोवाइड करद्वारा कि आम पे बहुत किसी उन्नति करें कौन कह आज देखिए आम ओडिशार तीन जन सुनील जोजा कथ कह अभिषेक बढ़िया बढ़िया खेली मैंने बर्तमान समय अच्छा आप आशा रखें भारत पुणि थे कप विजय कर भारत भारत स्योर मानने फाइनाल जब फाइनाल विनिंग करे मुझे आशा रखियो जेहेतु ओडिशार होशार तीनोटी भल भल प्लेयर अच्छा जे कि जूनियर जूनियर बोले जूनियर बोले ओडिशा सब जूनियर टीम जिते जाऊँचे से चंपियन होती जूनियर जूनियर टीम ओडिशा ओडिशार तीनोटी खेला इंडिया रे इंडिया इंडिया रे जोग देते से आशा कर माने इंडिया टीम स्योर विनिंग कर आमर छत्रपुर जो माने जिलापा आम मान को आम मान को सबकि बहुत किसी कर गोटे नुआ कोच गोटे सुंदरगढ़ आमर गंजाम गंजाम डिस्ट्रिक्ट बहुत बहुत भल भल पा बाहर एवं देख आपण मान सब देखु छोट छोट कुनि कुनि पिला माने एबुडो प्रैक्टिस चलते झीव पे आस आशा कर बहुत भल इंडिया विनिंग कर अन्य मैंने छोट छोट चुनि कुनि पिलाने प्रतिज्ञा ना भाई कौन कह के खुशी अच्छे आम ओडिशार खेल होगा जाऊँ तो सुजोग मिलनी कितना कहीं बिना दर्शक हम के खुशी अच्छे प्रदर्शन किंग कर भारत ये थर 24 तारीख में जो हम आम वर्ल्ड कपटा आम ओडिशार तीन जन जोग देखे आम आशा करके भल खेल ओडिशा खेल भल खेल हाँ आशा करें कमेना तीन जन जोग देखते
ଭାରତ ଯେହେତୁ ଜିତିବ କ'ଣ କହିବା ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପ୍ରତିଭାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଛତ୍ରପୁର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 24 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ଆଉ ହକିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଆସିଛି ସେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପୁଣି ଥରେ ବଜାୟ ରହୁ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ହକି ୱାର୍ଲଡକପ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ସୁନାମ ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ହେଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗଠନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଜୋନ୍ ଆସାମ ଗୌହାଟୀରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଜୋନ୍ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଜୋନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ବୃହତ ଲାଭାର୍ଥୀ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକଥା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଶିକ୍ଷାରେ ଭାଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ସର୍ବବୃହତ ତଥା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ଏହି 52ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ଚଳିତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଅନେକ ନୂଆ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ଭାବରେ ସିନେମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କର୍ମଶାଳାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଅନେକ ଖ୍ୟାତନାମା ସିନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍ ମୁର୍ଗାନ ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା I am happy to be here with you all in the 52nd International Film Festival of India at Goa. At the outset, I congratulate Satyajit Ray Life Achievement Awardees Mr. Itswan and Mr. Martin. We recognize your immense contribution to the world of movies. I also congratulate Madam Hemamalini Ji and Mr. Prasoon Joshi Ji for the awardees here. Hemamalini Ji, your presence on the silver screen for last so many decades has enthralled the generation of movie watchers. Prasoon Ji, your excellent lyrics capture the ethos and essence of India. Friends, IFFI is the one of the most iconic film festival in India, in international level. It provides a common platform for filmmakers across the world to showcase their talent. Bringing together film cultures, the festival allows to understand the various social and cultural ethos and appreciation of the world cinema. That's why with the initiative of our minister, Sri Anurag Thakur Ji, in this Azadi Ka Amrut Mahotsav, IFFI has invited 75 young talent minds in the field of cinema. Under the dynamic leadership of our Prime Minister Sri Narendra Modi Ji, India aims to become the attractive destination for filmmaking. With the focus of ease of doing business, we have opened Film Facilitation Center office in our ministry for a single point conduct to facilitate the filmmakers. Ladies and gentlemen, these movies which realistically reflect the life story of common man, his struggles, his emotions, his values attain the status of iconic movies. Our actors bring alive the legendary heroes and great events in the past. Here I wish to mention the immense contribution of some of the legendary icons like M.G. Ramachandran, M.G.R., N.T. Rama Rao and Shivaji Ganesan to the cinema. Here, I also remember two great Dilip Kumar Ji and Punit Rajkumar Ji, Sumitra Bhave Ji and many others who left us in the last year, the world
of movies shall be in depth to you. Friends, before I conclude, let me acknowledge the tremendous efforts put in by all those involved here. The people of Goa are famous for their warm and affectionate hospitality. I'm sure you all will enjoy the film festival and enjoy your stay in this beautiful land of Goa. समस्त अच्छे बुलेटिन को एट रखुछ नमस्कार।